अपने संवाद और एक्टिंग से नाम कमाने वाले कादर खान की हालत काफी सालों से ठीक नहीं चल रही। अपनी इसी हालत के चलते वो कई दिनों से अपने बेटे और बहू के साथ कनाडा में रह रहे हैं। कादर खान के बेटे सरफराज ने अपने पिता की हालत का ब्यौरा एक समाचार वेबसाइट को दिया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कादर को बाईपेप वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि कादर को प्रोग्रेसिव सुप्रानक्यूलर पल्सी डिसऑर्डर है, जो दिमाग की नसों को कमजोर कर देता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। पीएसपी डिसऑर्डर के चलते कादर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और उनकी हालत इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे डॉक्टर ने उन्हें बाईपेप वेंटिलेटर पर रखने का फैसला किया है। कादर खान अपनी सदी के दिग्गज कलाकार रहे हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का खूब मनोरंजन किया है। कादर को निमोनिया के लक्षण भी बताए जा रहे हैं, साथ ही वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। आखिरी बार कादर को 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही में देखा गया था। बॉलीवुड डेस्क, toryhowhindi.com। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।